मौसम ये बताइए कि आपने जैसे एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम आपने सामने रखा कि बहुत सारी हुकूमतें इन्वॉल्व थीं आपके अगवा में और फिर उसके बाद रिहाई में, ये बताइए कि आपको आप किसको मुर्द इल्ज़ाम किसको ठहराते हैं, हु डू यू ब्लेम? द ब्लेम इन माई एस्टिमेशन गोज प्राइमरली फर्स्ट ब्लेम, पहली जो ब्लेम है अमेरिका को जाती है, पहली ब्लेम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी जो शामिल हैं उसमें, जैसे मर्डर होता है, एक तो मर्डर जिसने किया है, लेकिन उसको फैसिलिटेट किसने किया है, उसके अकम्प्लिसेस कौन है, उसने उसकी चाकू किसने दिया, उसको गन किसने दिया, उसको गोलियां किसने दी, उसको फैसिलिटेट किसने किया, तो उसमें आता है ब्रिटानिया और पाकिस्तान और बाकी ममालिक ने सब। वॉर ऑन टेरर जब शुरू हुआ था, बुश ने कहा था यू आर आइदर विद अस और अगेंस्ट अस विद द टेररिस्ट, कोई मिडिल ग्राउंड नहीं दिया था उसने कि आप बीच में नहीं हो सकते, आप पुल आउट नहीं हो सकते, या आप अमेरिका के साथ या आप टेररिस्ट के साथ, यह किस किस्म का चॉइस है? आप मानते हैं कि अब ये पाकिस्तान की जंग है, मासूम पाकिस्तानी अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं, इसका हल क्या है, इससे कैसे निपटा जाए? अगर गिरफ्तारियां ना अमल में लाई जाएं, लोगों को पकड़ धकड़ ना की जाए, लोगों से पूछताछ ना की जाए, तो आखिर ये जंग कैसे जीती जा सकती है? एक तो मेरे ख्याल में इस पर जो मैं क्लियर हूँ बिल्कुल, कि अगर आप कहते हैं दिस इज़ टेररिज्म, देन आप टेररिज्म को इस्तेमाल नहीं कर सकते टेररिज्म के ख़िलाफ़, बिकॉज ये कौन कहता है कि ये जो कम से जैसे कहते हैं तालिबान का बॉम्ब या पाकिस्तानी हुकूमत का बॉम्ब, व्हाट्स द डिफरेंस, अ बॉम्ब इज़ अ बॉम्ब, दे किल इंडिस्क्रिमिनेटली। तो अगर आपने वाकई फिनिश करना है ये प्रॉब्लम, तो एक तो ये अमेरिकन पॉलिसी जो है ना, अमेरिकन इंटरेस्ट का आप भूल जाए और अपनी 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 जो वतनी इंटरेस्ट है उसको पहले देखें। आप वज़ीरिस्तान के इंटरेस्ट को देखें, आप पंजाब के इंटरेस्ट को देखें, आप पूरी जगह के इंटरेस्ट को देखें, फॉरगेट अमेरिका, और फिर देखें कि इवन इफ़ दिस अफेक्ट्स अस फाइनेंशियली, इवन इफ अगर हद तक हम वो हमें धमकियाँ देते तो देने दो, लेकिन हम अपने मुल्क को पहले रखेंगे, उनके इंटरेस्ट को फिर नहीं। अब इस वजह फिर वो अपनी वो भाई हैं जो भी हैं वज़ीरिस्तान वगैरह में, जो भी है दे पाकिस्तानी है, तो उनको आप क्यों मार रहे हैं, उनके साथ आप क्यों किताल कर रहे हैं, पहले तो नहीं कर रहे थे, और किसके लिए कर रहे हैं? तो दिस कैन बी सॉल्व्ड, बट इट नीड्स पीपल टू रिकॉग्नाइज प्रायोरिटीज। हाँ, पाकिस्तान इज अ कंट्री, इट्स अ पोर कंट्री, डेवलपिंग नेशन है, इट नीड्स अमेरिकन हेल्प, बट इट नीड्स इट्स पीपल बिफोर इट नीड्स अमेरिकन हेल्प। मतलब वापस आते हैं थोड़ा सा ग्वांटानामो बे पे। ग्वांटानामो बे का तमाम लोग हमसे ये पूछते हैं और हमने भी लोगों से पूछा कि आप क्या टॉर्चर टैक्टिक्स वो यूज़ करते थे, क्या वाकई ग्वांटानामो बे में टॉर्चर किया जाता है लोगों को? हमने देखा है कि एक टेक्निक उनकी ये थी कि जिसमें एक सुराख से रस्सी डाल के लोगों को फर्श पे बांध दिया जाता था और बहुत तेज़ आवाज़ में चीज़ें लगाई जाती थी। उसके अलावा जो है वो वाटर बोर्डिंग, जिसको उन्होंने एतराफ़ भी किया, इसके अलावा क्या क्या वहाँ पे किस तरह के टॉर्चर्स जो है वो लोगों पर किए जाते हैं? मैं अभी जो है ना पाकिस्तान में एक काफ़ी काम है, लेकिन एक काम जो मैंने मुझे करना है, गवाह लेनी एक बंदे से जिसको पता है कि एक बंदे के बारे में जो अभी ग्वांटानामो में, उसको क्या हुआ था, उसको वाटर बोर्डिंग हुई थी 83 times वाटर बोर्डिंग हुई थी, उसको पानी उसके मुँह पर फेंका था और उसको ये सेंसेशन दिया कि वो डूब रहा है, हालांकि वो नहीं डूब रहा, उसके मुंह के ऊपर पानी मुस्तकिल वो पोर कर रहे हैं। उसकी टॉर्चर बहुत हुई थी, काफ़ी लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से टॉर्चर हुए थे, कुछ लोग हमको ख़ुद ऐसे बांध के हमारे हाथ दरवाजे के ऊपर से टॉप को बांध के उसके ऊपर हुड लगा के घंटों कभी कभी दिनों ऐसे दिन गुजर जाते थे ऐसे। मैंने अपनी आँखों से देखा था, अपनी आँखों से देखा था एक कैदी अफगानी, उन्होंने मार मार के कत्ल कर दिया था उसको, और वो मानते हैं उसे कत्ल कर दिया उस हता तक एक फिल्म बनाई उन्होंने, टैक्सी टू द डार्क साइड 2008 में, ये फिल्म को ऑस्कर मिला था फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, बाकायदा उन्होंने वो मानते हैं। और मैं रबता भी है मेरे पास कुछ इंटेरोगेटर्स के साथ और कुछ गार्ड्स के साथ जो ग्वांटानामो में थे, और वो खुद कहते हैं, रोते हुए कहते हैं मुझसे, मोज़म वी सॉरी फॉर व्हाट वी डिड, दिस इज़ डिस्ट्रॉयड माई लाइफ, अमेरिकन्स मुझे कहते हैं। तो इस किस्म की चीज़ टॉर्चर हमको किया था, लेकिन नतीजा इसका उसका टॉर्चर का उनको भी सहना पड़ेगा, और वो कर रहे हैं।
मौसम हमारे साथ रहिए, यहाँ लेते एक मुख्तसर सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ब्रेक से वापस आके हम जानना चाहेंगे कि आखिर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का हल क्या है।